40 के बाद ट्रेनिंग ट्रूनिंग दे करके और मैं 42 के अंदर चला गया ब्रह्मा में। तो ब्रह्मा में मैं शुरू से अधिकारी हूँ, गिफ्टेड हूँ, इनको पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया हूँ। मतलब कहने का यह है कि मैं कोई मेहनत नहीं करी और उसी के अंदर डिस्टिंग्विश कर दिया। जब वापस आया तो वहाँ का कर्नल बहुत खुश हुआ, यानी मतलब वो कुदरती तरीके से गिफ्टेड हूँ। वहाँ से वापस आया फूल मिल गया, एक गजिस्ट्रेड अफसर हो गया, वाइसराय कमीशन हो गया और उसके बाद में सूबेदार की रैंक मिल गई। थोड़ी उम्र में दाढ़ी नहीं आई तो ऐसे अधिकारी रहा पूरी में। फिर टेक्निकल अफसर था मैं, कम्युनिकेशन जो होता था उसका अफसर था, वो काम करता था। आर्मी स्कूल में जाता था, थोड़े दिन रखते थे, फिर मैं वापस आ जाता था। ऐसे करके अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और ऐसे ये नाम भगवान का जो है, कुदरती एक इच्छा हुई थी और वो इच्छा देगी और कुदरती में प्राप्त हो गया। अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ तो सबके अंदर आप में, अभी मैंने ये समझा कि वो चीज़ है कहाँ, वो परमात्मा तो वो तो आदमी के अंदर है। सब जो आपकी मान्यता है, वो आप राम को मानते हो तो आपका काम हो जाता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है, वह उसकी मान्यता है। विश्वव्यापी सत्य नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि वो मनुष्य में शक्ति है, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, मनुष्य के अंदर वो शक्ति है उसके विचार में, और मनुष्य को पता नहीं। मैंने ये समझा तो वो शक्ति आप में है, आप ईश्वर अंश हैं। आप ये आपको मेरी दृष्टि ऐसे है कि सब में आपके अंदर वो ईश्वर है अंश रूप, और सब काम आप जो सोचेंगे वो ही जाएगा, आपके सोच में शक्ति है। तो दो तरह के सोच हैं, घटिया सोच है उसका फल तो घटिया है, और बढ़िया बढ़िया है। जो ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा गुस्से का जो विचार है उससे तो नुकसान हो जाएगा, घटिया विचार आएंगे, और जो बढ़िया बढ़िया आ जाएंगे। तो आप गुस्सा करते हो थोड़ी देर के लिए बेटे पर, पति पर, पत्नी पर, भाई पर, और फिर बाद में चुप हो जाते हो गुस्से में, सोचते हो उसने ऐसा कहा, ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और वहाँ से जब उचित समय पर इधर आएंगे वापस तो आपको घटिया जो विचार है ईर्ष्या द्वेष का उससे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। जो आप सोचते हो वो नहीं होगा। जैसे आप अच्छा नंबर देने के लिए कोई एग्ज़ाम दिया है और उसमें पास नहीं होगी, और जो कोई घटिया जो बढ़िया विचार है आपके प्रेम के, सेवा के, सहायता के, उमंग के, तो उससे आपके मन का अनुकूल घटना घटेगी। यानी विचारों पर मामला है। तो विचार दो तरह के, नेगेटिव पॉजिटिव। घटिया विचार जो हैं गुस्से से, दूसरे का बुरा चाहते हैं हम गुस्से से कि इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार हैं उससे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, और जो प्रेम के, खुशी के, सहायता के विचार हैं उससे अनुकूल होगी। और ये सबके घरों में यही बात है, जो तकलीफ है वो इस विचार से। अगर ये विचार की फलसफी समझ में आ जाए तो आप घटिया विचार को छोड़ दोगे, व्रत कर लोगे कि मैं घटिया विचार करूँगा नहीं, और नहीं किसी को घटिया देखूँगा, किसी का प्रदोष देखूँगा नहीं बिल्कुल। तो वैसे बता रहा क्या, नवदा भक्ति में बिरली ने को भगवान राम बताता नवदा भक्ति, नौ तरह की। अगर आप हिंदू हैं तो पढ़े होंगे ना, रामायण तो पढ़ते होंगे सबने। तो पहले बताते हैं बिरली को, जब वो सीता हरी गई तब उधर जाने का मौका मिल गया, और वो जो ऋषि मुनियों का आश्रम थे वहाँ पर काम करती थी बिरली, और उसको बताया ऋषि ने कि तुम्हारे को राम के दर्शन होंगे। तो सोचा मुझे, मैं बहुत छोटी जाति की हूँ, बूढ़ी हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे कैसे ज्ञान होगा। जब भगवान राम गए तो उनको ये बात कही तो राम कहने लगे, कहीं रघुपति सुन भगनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। ये भाण में तो भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति का कोई हिसाब नहीं है। फिर बाद में उसको जब उसको खिलाए दिया चाय पानी, बेर खाया जो अच्छे थे खट्टे वो तो नीचे गिर दिए, मीठे थे बुध को देते गए, वो जूठे बेर खाते गए। सब बेर ब्यार खा के तैयार हो गए चाय पानी पी के, तब फिर वो कहने लगा मैं तेरे को दो तरह की भक्ति बताता हूँ, नवदा भक्ति कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, के भले आदमी की संगत करा करे, और दूसरी रीति में मैं कथा पर संगा, और दूसरे मेरी कथा सुना करे, रामायण भागवत वगैरह ये, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरा भक्ति है माना, कोई गुरु धारण करके और उसकी सेवा करे। और फिर वो कहते हैं मम गुण गान कर ही तद कपट अभिमान, चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का बड़ाई करो, कि भगवान बहुत बड़ा होता है, चाहे वो कर सकता है, वो सब कुछ है, सब कुछ उससे होता है, उसकी बड़ाई करो, लेकिन कपट और अभिमान न रहे। ये न रहे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं कोई हेरा फेरी के लिए करता हूँ, कपट और अभिमान को छोड़ कर मेरे गुणों का ज्ञान करो। और पाँचवीं भक्ति कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति भजन स्वभेद प्रकाशा। ये शिवरी मंत्र जाप में कोई दम नहीं है, मेरे दृढ़ विश्वास में है कि मैं ये मंत्र जपता हूँ ये हो जाएगा मेरा,
मैं राम राम करता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, उसमें दम नहीं है, दम है तेरे विश्वास में। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास था, पंचम भक्ति भजन सुवेद प्रकाश। पाँचवीं है षष्ठ सियाराम में सब जग जानी कि सब उसी के अंदर है। और आठवा सातवां बताता है मम भरोसे ही हर सन दीना, मेरे भरोसे रहना, न चिंता न कोई फिक्र। और फिर आठ नौवा बताता है वहाँ पर, वो कहता है स्वप्न नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में किसी का परदोष नहीं देखना चाहिए, आप रोज परदोष देखते रहते हैं। ऐसे नौ भक्ति बता के मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, रामायण बता रहा हूँ उदाहरण दे के। जब वो जान लगे तो बोला शिवरी बात सुन, एक और सुन। बोले हाँ जी। कहने लगे शिवरी मम दरस फल परम अनुपा जीव पावी ने सहस्वरूपा, ये शिवरी जब मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ तो मेरा रूप अनुपम है। क्यों? कि मैं जीव को बताता हूँ कि तुम ऐसे ध्यान करो, ऐसे चाहते हो ऐसे करो, उसको स्वरूप का पता चल जाएगा, उसको रास्ता बताता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ कि तुम अपना रूप को जानने के लिए खोपड़ी के अंदर ही जान लो, तब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ, तब ज्ञान देता हूँ, तो मेरा रूप अनुपम है। क्योंकि बगैर उसके कोई जीव जान नहीं सकता, जब तक उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा जान नहीं सकता। तो उस वक्त मेरा रूप क्या है, जब गुरु बन के आता हूँ, मम दरस पर परम अनुपा जीव पावी ने सह स्वरूपा, जीव को अपने रूप का पता तभी लग सकता जब मनुष्य बन के गुरु बन के आता हूँ। ऐसे करके दस भक्ति बताई। तो वो शक्ति क्या आपके अंदर है और ये बात कैसे जाने, इसके बारे में बता दूंगा। अब आप पूछने के लिए नहीं आए कि मेरे रूप जानूँ या जानूँ, आप मुक्त होने के लिए नहीं आए। लेकिन डॉक्टर कमला जी कहते हैं कि संस्कार दे दो, जब आप आए हो तो और तो कोई बताएगा नहीं, आप जो इस रस्ते चलते हो तो बता तो जाओ कम से कम, ताकि पता नहीं कि जीव का किसी जन्म में ये संस्कार बने और वो अनुभव कर जाए और उसकी लगन हो, तो वो ठीक है भाई। तो बात पहला तो दुख है आपके घटिया विचारों का फल। तो सुख के लिए क्या है कि घटिया विचारों को छोड़ कर शिव संकल्प वस्तु सुंदर विचार रखा करो, ऑलवेज है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा विचार। घटिया रखो मत आएंगे घटिया विचार, काट दो ज्ञान से कि मैं क्यों सोचूँ इसके तकलीफ आएगी। जो मैं सोच रहा हूँ माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, तो घरों में तकलीफ यह है कि गुस्सा होते हैं, हम बुरा बुरा सोचते हैं थोड़ी देर, और जो गुस्सा उतर जाता है फिर ठीक हो जाते हैं। वो थोड़ी देर सोचा बुरा वो चला गया ब्रह्मांड में, और वो उचित समय पर जब आएगा, अभी इस जिंदगी में आ गए जैसे टाइम उसकी होती है, तो उस वक्त वो दुख लेके आएगा। तो दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो ईश्वरन से दुख अज्ञान का है कि वो सोचने में इसको बड़ी ताकत है, बड़ी ईश्वरन से सोचता वही होता है। तो गलत सोचता है उस वक्त उसका फल तो है दुख, हर घर में दुख है, किसी को बीमारी है, किसी को मुकदमा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और जो अच्छा सोचते हो वो आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी। इसकी मैं पहले बताई आपको, रामायण में बता दिया गोस्वामी तुलसीदास ने, सैन में बताया वो। क्योंकि मैं कैसे आपका घर का आदमी हूँ तो मैं घरवाली से बात करूँगा, मैं कोई योगी महात्मा नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ तो घर ही समझाऊँगा। उनने महात्माओं के लिए इशारा कराया, एक जगह चौपाई लिख दी कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है उसमें धनी धन है, हर तरह की संपत्ति, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट वाली सब कुछ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति रूस सामान्य नाराजी है, तहाँ विपत्ति नादाना, जिस घर में रूसिया भाई रूसिया है, बेटी रूसी है, बेटा रूसिया, बहू रूसी है, सास रूसिया, ससुर रूसी, आदमी गलत सोचता है, मन मन कूटेगा वो, मन मन कूटता वो विचार ऊपर जाते रहते हैं जितनी देर गुस्सा करता है, और जब वो ड्यू कर उचित टाइम पर इधर आएंगे दुख लेके आएंगे, मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। ये तकलीफ है पूरे आदमियों को, मनुष्य मात्र को, राष्ट्रपति साहब को भी है और चपरासी को भी है, करोड़पति सेठ को भी है, जब गुस्सा आता है तो वो या तो नौकर पर बरस जाता है, या पत्नी को कुछ कह देता है, या दूसरे आदमी को कुछ कह देता है, या लेन देन वाला कह देता है कि भाई ये पैसे क्यों नहीं दिए इतने दिन, गुस्सा करता है और बुरा सोचता है। तो उनको ज्ञान नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसका नतीजा क्या होगा, ये अज्ञान आदमी को। तो एक तो ये है, और दूसरा तो इसका इलाज क्या है, शिव संकल्प मस्तु, अगर ये ज्ञान हो गया तो व्रत कर लो, मैं घटिया नहीं सोचूंगा, विचार आएंगे काट दो। जब मैं आपको बात बताई आपको गुस्सा आता है, आप ये बोलते हो कि उस कैप्टन ने कहा ये बुरा कर्म बन जाएगा और तुम्हारे मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, दुख आएगा, ये बात आपको याद है, वो गुरु है। मैं आदमी का गुरु आदमी हो, आदमी बताता मैं आपको ज्ञान दिया, ये ज्ञान आपको उस वक्त याद आ जाए कि मैं क्यों बुरा सोच रहा हूँ, तो आप फट बन जाएंगे, उसका नाम गुरु है, समझिए। तो गुरु नाम ज्ञान का है, आदमी का नहीं किसी का, वो मिलेगा किसी आदमी से। क्यों? भगवान राम कहता है न मम दरस पर परम अनुपा जीव पावनी सहस्वरूप, वो मनुष्य रूप पा के ज्ञान देता है। तो बेटी और भाइयों एक तो ये बात सही है कि व्रत कर लो आज से, छोटी सी बात है कि
कि हम बुरा सोचूंगा नहीं तो सोचेगा वो पाएगा, जहर खाएगा वो मरेगा। जो आपका बुरा सोचेगा, नाराज होगा, आपको कुछ अपशब्द बोलेगा, वो सफ़र करेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको कहे भी इशारों में, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाढ़ न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कहते पूरी दुनिया बैरी होगी आपका, और आप किसी का बुरा नहीं सोचते, वो विचार उसी के पास जाए, उसी को तकलीफ देंगे। जंतर मंत्र तंत्र में मंत्र तीन तरह के हैं। एक मंत्र है मौन मंत्र, किसी को अपनी तरफ खींचना, बुलाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, वो सेवा करेंगे, जैसे आप चाय पानी बुलाई नहीं तो मौन मंत्र था कि मैं आपसे मुलाकात करूँ। एक मंत्र है उच्चारण मंत्र, दो आदमियों की दोस्ती है और उसके बीच में बाठा डाल दिया, तीसरे को कह दे उसको बोलना ये बोल रहा है, आपका ऐसा बोल रहा था, वो मेरे लिए बोल रहा था, नाराजगी। इसको राजनीति के अंदर कहते हैं डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। दो भाई हैं, दोनों को फांट दो, एक भाई वोट दे देगा, एक भाई ना कब घूमता रहेगा, तो ये बांटना है, तो ये उच्चारण मंत्र कहते हैं। और तीसरा मंत्र है मारण मंत्र, जिसको मूठ कहते हैं, चौकी उठाना कहते हैं। तो उसमें या क्या क्या खत्म हो जाएगी, कहते ये मंत्र काम तब करेगा तो वो आदमी उस चारपाई पर अपनी पर, अगर चारपाई पर नहीं है तो वो मंत्र लौट के आएगा, उसी को मार देगा। चारपाई का भाव है कि उसके दिल में भी नफरत है, तब असर करेगा। अगर आप उनका भला चाहते हो तो विचार जाएगा, यहाँ चक्कर लगाएगा, वो इसके मुताबिक नहीं वापस आके उसी पर करे, एसी करंट की तरह। आइए समझ, कोई भी आपको कितनी बुराई करता है, आपकी चुगली करता है, तो वो सब उसी को मिल जाएगा। अगर ये बात आपको पता चल जाए तो आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं। इसी को क्या सपने नहीं देखे परदोसा, और हम हरे का दोस्त देखते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, ऐसा करने से वो विचार है हमारे गंदे हो जाते हैं। तो आप अपने विचार सुंदर कर लो, कोई आपका दुनिया का आदमी बुरा नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। आप भले तो जग भला, आप खुद भले हैं तो पूरी जग भला है, और आप बुरा तो जग बुरा। तो अपने आपको सुधारने का नाम ज्ञान है। अपने आपको मनुष्य सुधार ले तो फिर उसके दर्शन मात्र से दूसरों का काम होगा। तो घरों के अंदर हम रहते हैं, इसलिए घरों के अंदर हर तरह की प्रकृति के आदमी हैं। पिताजी की कुछ और है, भाई की और है, बहन की और है, माताजी की और है। तो हमने क्या करना है कि बात को समझ के कोऑपरेट करना कि इनकी ऐसी है। तो ये ज्ञान से होगा, ज्ञान के बगैर ये नहीं होगा, और ज्ञान को बाहर का गुरु देगा। तो इस जिंदगी को अगर अच्छा चाहते हो तो शिव संकल्प रखो और ऊँचा बढ़ो। ये नहीं कहता चलो राम से मिलो, क्या मिलना, राम से तो मिले हुए आप खेलना है इधर, वो आपके अंदर ही तो है। तो आप खेलो, अच्छा बनाओ, खूब जो चाहो वो सब मिल जाएगा। और जब छिक जाते हो जिंदगी से कि भाई तकलीफ का है, इस लोक में तो तकलीफ है, राधा भी तो सुखी नहीं रह सकता। तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदयस्त की बात कह तुम सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही वैरागी हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि घाटे बाधे थोड़ा कोई ज़्यादा सब दुखी है। और सुखदेव आचार्य ने कहा गर्भ में माया त्यागी। आखिर वो कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीतियो। अब संत किसका नाम है, समस्थिति में रहने वाला आदमी का, जो जीवित मुक्त आदमी है उसका नाम संत है। उसको न दुख है न सुख है, वो सब देखता है, सब लीला उसी के, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूँ वो। लेकिन जब मनुष्य वो देखता तो उसको परमात्मा की लीला नजर आती है कि सब परमात्मा, जैसे मैं आप आए तो मैंने सोचा मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। अभी मैं जो ज्ञान लेके आया हूँ वो मेरे को गुरुओं की जरूरत थी, आप गुरु आ गए, मेरे को चेलों की तो ज़रूरत ही नहीं, मैं चेला तो बढ़ाता ही नहीं, मेरे को तो गुरु बनाना चाहता हूँ ताकि मैं काम कितना करूँगा। अब 93 साल का आदमी हो गया तो मैंने आपको गुरु बनाना है, ये ज्ञान देना है। और वो क्या मैंने ज्ञान दे दिया, अब लिख करके ज्ञान लाया हूँ। पहले मैं बता दिए यहाँ पर मनोज जी को, अगर आप अपने जो नियर और डियर हैं उनको बुलाना, पूरी दिल्ली को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका नियर और डियर जो आपके प्यारे हैं वो बुला लेना। आपको इतने रुपये के कोई बुक हैं मेरे के 8-10 हज़ार की, 8-9 हज़ार की, तो आप इतना बांटोगे उनको, हाँ जी, और रिकॉर्ड कराओगे तो एक रिकॉर्ड करके ये इंटरनेट पर लगा दूंगा और वो भी आप देख सकते हो CaptainLalChandji.com। तो आप इधर मेरे सत्संग निकलते सैकड़ी सत्संग, वो सत्संग घर बैठे सुन लो आप, और ये देख करके मैं इंटरनेट पर भेज दूँगा और इंटरनेट पर चले जाएगा। सब देशों आदमी जो भारतीय रहते हैं, अच्छे आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वो सब पढ़ेंगे। तो आपको मैं इसे चाहता था कि ये जो मैं ज्ञान दूँ अभी आपको, ये ज्ञान आपने ले जाना, इधर बुक दूंगा मैं तो आप पूरी सेट मांग लेना का 16 पुस्तक दे दो, अरे कैलेंडर दो, पर तो खुद पढ़ना, फिर वो एक 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 घरों जाके के जो पढ़े दिखे आदमी कि आप पढ़ के देख लो, आपका हालत बदल जाएगा, आपका हालत ठीक हो जाएगा। कोई कहे मेरी आजकल घाटा, बोले सब ठीक हो जाएगा। कोई कहे घर में नाराजगी, वो ठीक हो जाएगी, ये पढ़ लो आप, 2-3 बार पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लेना, आपको ठीक हो जाएगा।
और जब नहीं पढ़ते तो मेरे को दे देना, फिर आगे दूसरे को दे देना। अभी आप ज्ञान का काम करें गुरु का, वो जो देते हैं उसमें आप शेयर होल्डर हो गए, उस घर में जो सुधार होगा उसका आपका शेयर है, क्योंकि आपने घर घर जाके ये काम किया, अपनी पोजिशन को मिटा करके। भाई बहन जी ये किताब पढ़ लो, आपके पड़ोसियों को, आपके नियर डियर जो आपके प्यारे हैं उनको बांटो, ये किताब पढ़ लेना चाहे वो, तो वो आपका ज्ञान का दान हो जाएगा और वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेयर समझते होगे नहीं, जितना उनका फ़ायदा होगा उतना आपको हो जाएगा। जब दुनिया के काम में शेयर करते हैं हम, वो हो जाता है तो ये भी इसमें शेयर होगा। तो आप क्या करें, मेरा काम कर लेना, ये पुस्तक दे तो आप ये करें, मेरे को शर्ट दे दो पूरी, पता नहीं ये कम देना चाहेंगे तो कम दे देंगे, कोई बात नहीं, वो आपको पूरी मिल जाएगी बाद में, ये मनोज कुमार बंदोबस्त कर देगा सब। सत्संग कराना चाहते हो तो इनको बता देना, कभी दोबारा आऊँगा सत्संग करा दूँगा, पर शर्त यह है कि कुछ आपको अपने प्यारों को उनको बुलाना, प्यारे हों, अच्छे आदमी हों, और उनको पुस्तक तो दूंगा, वो आपकी तरफ से दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। मैं तो सिर्फ वो किसी ने कहा कि महात्मा अगर सुबह के टाइम पर थोड़ा सा ऐसे घी के अंदर मिला के और देसी खांड थोड़ा पी ले तो आत्मा ठीक रहे, कि बाबा जी घर का क्या बोला, घर का आंगड़ा, तो मेरे पास तो ये आंगड़ा आंगड़ा है, बाकी ये करने वाला ये काम है। अब ये करा रहे हैं, दूसरा करवा रहे हैं, कल परसों और ये आदमी बैठे हैं दिलबाग जी, इनने करवाया था, कल परसों कोई और कराया था ऐसे, तो कई सत्संग यहाँ कराऊँगा, फिर मुरादाबाद में कराऊँगा, फिर शामली में कराऊँगा, फिर यमुनानगर में कराऊँगा, फिर चंडीगढ़ में कराऊँगा, पीजी का एक डॉक्टर है। तो आप क्या करो, पहले मेरी बात सुन लेना, और फिर बुकें मांगते हो बुकें लेना, वो ज्ञान पूरा वो है, क्योंकि वो आप घर में बैठे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, बहू पढ़ेगी, बेटी पढ़ो और भाई पढ़ो, जवाई पढ़ो, सब के लिए वो ज्ञान, सब के लिए क्या चाहते हो मिल जाएगा उसके अंदर, सब कुछ जीवन के जितने अंग हैं सबके ऊपर प्रकाश है, और सब शास्त्र हैं। और मेरा जो ज्ञान है, जितने गुरु हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, ज्ञान दिया, सब मेरे गुरु हैं, गुरु का मतलब ज्ञान दिया उनने, और वो हिम्मत दे रहा हूँ, वो अपनी हस्ती सर्व दिया, किसी ने पाँचवीं क्लास को पढ़ाया, किसी ने दसवीं को पढ़ाया, किसी ने बीए कराया, किसी ने पीएचडी कराया, तो मैं पीएचडी का टीचर हूँ, समझे ना आप। और आप ईश्वर से, आपके अंदर ईश्वर की शक्ति है, आप कोई छोटी चीज़ नहीं है, जिंदगी को सुंदर बनाओ, सोचोगे वैसी ज़िंदगी बन जाएगी। तो एक बात तो इसी कंडीशन है, खुश रहने की कोशिश करो, ऑलवेज हैव स्माइलिंग फेस, किसी ने आपको कड़ी बात कह दी बोले अच्छा, और बोलो जी सर आओ तो अच्छे लगते हो आज आप, चिलो मत, क्योंकि आदमी को ज्ञान नहीं है वो बोलता है हल्का, जिसको ज्ञान है वो हल्का नहीं बोलेगा कभी। अब सत्संग पर आता हूँ, तो इस लोक में सुखी रहना है, जिंदगी का स्वाद लो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रखो, और अच्छा पढ़ने की कोशिश करो, जो चीज़ आप चाहोगे सत्य मन से वही हो जाएगी, आप समझेगा नहीं, जिते चाहो तेरा, जहाँ चाहे जहाँ मांग महापूर्ति, तो आप इच्छा करो वह चीज़ आपके पास ही आ जाएगी। टाइम लगती है हर चीज़ की, हर एक चीज़ का उचित समय है, बच्चा कितने दिन में जवान होता है, फसल कितने दिन में होती है, गाय भैंस की कितनी उम्र होती है, मनुष्य की कितनी होती है, अलग अलग है, पर आप ईश्वर अंश हैं, आपसे बड़ा इस लोक में कोई नहीं है, मनुष्य के बड़ा कोई नहीं, मनुष्य ईश्वर का अंश है, उसी ईश्वर का, ये सूर्य चांद का नहीं, इससे आगे जो अवसर है जिससे सूर्य चांद तारा बनते हैं, उसके अंदर से आप आए हुए। अब रहेगा अगर आप जाना चाहो वहाँ पर, मिलना चाहो, सब कुछ आपके पास से संतुष्ट हैं, अरे देख लिया आप, तो फिर मामूली सी बात, फिर क्या है, रोजी रोटी आपने खुद होनी चाहिए, भिक्षा मांग के नहीं खाओगे, खाओगे तो फिर मन जैसे अन्न वैसे मन होगा, किसका कैसा अन्न वैसे आपका मन खराब हो जाएगा, रोटी कमा के खाओ। कलयुग में संतों ने बताया कि अपनी रोजी रोटी कमाओ, चाहे दुकानदारी करो, चाहे काम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, कुछ भी काम करो, और अपनी ईमानदारी की कमाई हो, अगर हेरा फेरी की कमाई होगी तो मन हेरा फेरी में रहेगा, इसे अच्छा अपनी ईमानदारी से कमाओ, कोई कमी नहीं रहेगी, जो काम करते हो मन लगा के करो, आपको सिद्धि मिलेगी, आपको ज़बरदस्त सिद्धि मिलेगी, जो काम में कर्मयोग कहते हैं इसको, गीता में कर्मयोग कहा है, तो आप ऐसे काम में ऐसे लग जाओ कि बस और कुछ याद नहीं रहे, वो ही रहे, दुकान में चले गए तो घर की याद नहीं आई कि शुभ लाभ क्या हो, क्या चीज़ मंगाऊँ जिससे ज़्यादा बनके और कैसे गायक बने, उसी के बारे में सोचते रहो, नहीं सोच सूझेगी आप वो ठीक हो जाएगा। अगर नौकरी करते हो तो ऊपर ऊपर वाले ऑफिसर को, अपने सेठ को खुश करो और उसका कमा के दो, तो वो सेठ खुश होगा, आप फिर छोटे नहीं होगे, मैनेजर लेफ्ट देगा, मैनेजर बना देगा, इन बड़े बन जाओगे, तो मेरे जैसा आदमी ऑर्डिनरी गांव का रहने वाला जिसको कुछ पता नहीं और फटाफट ऑफिसर बन गया, और न कोई क्वालिफिकेशन, न कोई पढ़ाई, न कोई लिखाई, तो भी आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे घरों में पैदा हुए हो, अच्छे सेठ साहूकर के घरों से हैं, बड़े भाग लेके आए हो, तो जो कुछ चाहिए समझ जाएगा। पंथ किसी को मानो, पंथ आपका है, ये पंथ बना रखे हैं बांटने के लिए, ठीक है उस समय ठीक था, अभी पंथ कुछ नहीं, सब पंथ हो के वो एक ब्रह्मानंद का भजन रहता है कि पंथ पंथ ग्रंथ छुड़ा करके मेरा ईश्वर में मन जोड़ दिया हो,
तो ईश्वर का देखने के लिए कौन सी चीज़ है? वो ये है कि पहला स्थान ये है, इधर टीका करते हैं, ये हिंदू टीका करते हैं ना, हिंदू लेडी या भाई जुआई को ऐसे टीका लगाते हैं कि तुम यहाँ ध्यान करो, क्या चाहते हो मिल जाएगा। जो सत्य मन से इच्छा करोगे, जो कुछ भी आप सोचते हो वही हो जाएगा। तो आप क्या करो, जो टीका करते हो इसी का ध्यान करके, और कोई इष्ट बना रहा क्या सारा के लिए, कोई बात नहीं, राम का कृष्ण का देवी का आप बना लो, कोई बात नहीं, क्यों, शक्ति तो आप में। तो वो ध्यान करके इच्छा करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ध्यान बढ़ने का क्या क्या पता कब बन गया, जब पीले रंग का प्रकाश आ जाए और मंदिर में जैसे टाली बजाते हैं, टाली बाजे से टर्न टर्न, जब दाखिल करते हैं मंदिर में ऐसे टाली बजाते हैं ना, तो इस मंदिर में दाखिल होने की टाली बजाती है, इसका मतलब आपका ध्यान बन गया पहले स्थान पर। अभी आपका इच्छा पूरी होगी, पर याद रखना एक बात, अगर मन साफ नहीं हुआ ध्यान करोगे तो बुरा भी सोचोगे, जिन बाप से नाराज़ हो, सास से नाराज़ हो, पति से नाराजी हो, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ध्यान बन चुका आपका ये, तो पत्नी बीमार हो जाएगी, और पति बीमार भी हो सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है, इतनी शक्ति आपके विचार में। इसलिए हमेशा शिव संकल्प रखना, इस बात का ध्यान रखना कि मन को साफ करके फिर ध्यान करना, किसी का प्रति बुरा मत सोचो, सब ईश्वर से, जो वो कर रहा है उसके बस की बात नहीं, मजबूर है वो करने के लिए आया। चोर को नफरत मत करो, बोलो चोर बेचारा आया इस काम के लिए, ये कोई पिछले धर्म का संस्कार था, झूठा आया तो बोलो इसे झूठ बोलने का आया इस काम के लिए, चोरी करता तो बोलो इस काम, मतलब जैसे जो आदमी आया है वो उसका संस्कार मजबूर है ऐसे। फिर इस बहुत सा ज्ञान है आपके लिए, बहुत सा ज्ञान है किताबों में कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगर सदा खुश रहना पति पत्नी तो गृहस्थ भोगो, किस बच्चे के लिए, अच्छे बच्चे के लिए, अच्छा बच्चा आ जाएगा, जैसे बच्चा माँ की इच्छा करती है वैसे बच्चा आ जाएगा, घर में राज करना चाहती है तो राज आ जाएगा, लख करोड़ों पति अरबपति चाहते हैं अरबपति बन जाएगा, जैसे माँ के विचार में वैसी सुरत आ जाएगी उसको, और वो वैसे होगा। पेट में बच्चा रहता है तो माँ कामुकता नहीं भोगे तो बच्चा काम ही नहीं बनेगा, सम्मान करे हमेशा, सास सासुर को सम्मान करे, आशीर्वाद दे, किसी को दुर्शीस नहीं दे। तो जैसे जैसे सोचोगे, उसको किताब में लिखा हुआ है, जो किताब सुखी जीवन का रहस्य, छोटी 60 पेज की, उसमें बेटियों के लिए है कि ब्याह शादी करने से पहले जब ब्याह शादी की टाइम आती है तो वो किताब पढ़ लो, कौन चार इच्छा करो वैसे हो जाएगा। और धनवान बनना चाहते हो तो बता रहे क्या, आप इधर ध्यान करो, दुनिया की चीज़ चाहते हो इधर ध्यान करो, धनवान बन जाओगे। क्या चाहते हो आपके विचारों में शक्ति है, एक बात, इसको शस्त्राकार कहते हैं हिंदू धर्म में, इसको सबल ब्रह्म कहा है, इस स्थान को चार नाम से बताया, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, और फिर इसके बाद में पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, चार नाम से बोला, 8 पॉइंट हैं। और बाकी हम बता रहा क्या कि पहला ये स्थान है शस्त्राकार कहते हैं, 1000 पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है, ये मन है जो हज़ारों तरह के विचार लेता है, और वो मन के विचार आते रहते हैं, वो संस्कार चलते रहे, कोई खास जो विचार आएगा रुक जाओगे, खेलोगे कैसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और जो उसका कई विचार तो एक दिन रहेगा, कई 2-4 दिन रहता है, कई 15-10 दिन रह जाता है, वो कर्म बन जाता है आपका। एक विचार को 5-4 दफ़े सोचोगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, कर्म बन जाएगा, अच्छा है तो अच्छा कर्म बन जाएगा, घटिया तो घटिया बन जाएगा। तो इस ज़िंदगी में स्वाद लेना है तो बढ़िया बढ़िया विचार करना, ताकि बढ़िया बढ़िया आपका होता जाएगा, सब कुछ को कमी नहीं रहेगी। शिव संकल्प मस्तु, ऐ मनुष्य सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। नुकता छोटा है ना कि घटिया सोचोगे तो घटिया, बढ़िया सोचो बढ़िया, इसे सुंदर विचार रखो, और अगला क्या करता है वो पाएगा, जो आपको तकलीफ देता है, दुख देना चाहता है, वो सफ़र करेगा। आप सोचो परमात्मा इनको सदमति दे, अच्छी अक्ल दे, आप किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा सोचोगे तो बुरा विचार आएगा, तो आपको वो बुरा कर्म बन जाएगा। तो ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान है माथे के बीच में, यहाँ पर जो टीका लगाते हैं ना, यहाँ पर पंडित पुरोहित, इसको ओम का स्थान कहते हैं हिंदू, और वह त्रिकुटी कहते हैं। यहाँ पर इधर आता दाता ध्यान और ध्येय, तीन चीज़ हैं विज्ञान के लिए। तो इधर जब ध्यान बन जाएगा तो जो काम की इच्छा जानना चाहते हो कोई चीज़, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर ब्रह्मलोक की बात जानना चाहते हो ब्रह्मलोक आ जाएगा, विष्णु लोक की चाहते हो वो आ जाएगा, और इसके अंदर शक्ति आप में है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो रामायण गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उसके अंदर धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहा है, संजय मेरे पुत्र पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? तो संजय तो कहीं बैठे हस्तिनापुर के अंदर, और वो कुरुक्षेत्र की बात आ रहा है। तो संजय कहता रहा, राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी है, फलाना योद्धा वहाँ खड़ा, फलाना वहाँ खड़ा, वहाँ खड़ा कर, तो वो क्या दूरबीन से देख रहा है? नहीं, ध्यान किया उस वक्त उसको सामने आ गया। वो ये बताते हैं गीता पढ़ने वाले, सुनिए कि धृतराष्ट्र ने यह कहा तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या करें, ये कर रहे हैं। तो वो शक्ति आपके अंदर है,
पर हम लोग कामी होने के कारण वो शक्ति हरेक में है नहीं, कुछ अभ्यास करनी पड़ती है। तो बीच में माथा के ध्यान करने से क्या ज्ञान चाहते हो ज्ञान मिल जाएगा, क्या रिसर्च चाहते हो रिसर्च कर दो। वकील हो तो नए नए पॉइंट आई है, एक छोटी सी पॉइंट पर फांसी से उतार लेगा, ऐसी टेक्निक होगी। और अगर वैसे राजनेता तो राजनीतिक तरीके की बात सफल हो जाएगी, बिजनेसमैन करता तो मालूमाल हो जाएगा, मतलब उसके विचार में आ जाती क्या चीज़ चाहता वो इसको समझ आ जाएगी। ज्ञान का केंद्र है ये त्रिकुटी। और फिर चौथा आगे चलते हैं शुद्ध ब्रह्म कहते हैं उसको, और वैसे इसको कहते हैं क्या कहते हैं रारंग सारंग, यहाँ पर सारंगियाँ बजती हैं और क्या कहते हैं प्रकाश है। कैसे प्रकाश है? चांद जैसी चांदनी, मैं माथे वाला बुढ़िया माथे के बीच के अंदर लाल रंग का प्रकाश और आपके इष्ट की मूर्ति आएगी, यहीं तक आएगी इष्ट की मूर्ति, इसके आगे नहीं आएगी। इसके आगे फिर वो प्रकाश आएगा और साथ साथ शब्द आएगा सारंगी का, तो सारंगी का शब्द आता है तो समझ लो कि आपको मस्ती रहेगी, नशा रहेगा, बेफिक्री रहेगी। चाहे कोई भी काम करते हो आप, चाहे मजदूर हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे IAS हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसमें नई नई चीज़ खुशी रहेगी, उमंग, हंसते खेलते काम करते रहो। और इसके लिए जो आनंद दे रहे हो आप वो ज़बरदस्त है, और वो आनंद है क्या, मन काम नहीं करता है हम, तो इसको बताया शुद्ध ब्रह्म। मन शुद्ध हो जाता है कोई तरह घेरा फेरने तब ये ज्ञान होता है। और फिर आगे इससे चलोगे तो सोहम, सोहम करके शब्द आता है, और वो है सफ़ेद रंग का प्रकाश, और वो आत्मपद है, उसके बराबर आनंद कोई चीज़ में नहीं है। जब उसका ब्रह्मचारी वो उसी का आनंद लेते रहते हैं तो वो वहाँ पर सोहम का शब्द आ जाता है, सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाता है और ज़बरदस्त आपको खुशी आनंद मिलता है, सिद्धि आ जाती है, सोचते वही होगा। और उससे ऊपर चलोगे तो यहाँ पर यह सतलोक आ जाता है, यहाँ पर राम नाम आ जाता है जिसको कहते हैं शब्द कहते हैं, और यहाँ पर यह जो चीज़ जो देखने वाली चाहिए आज शब्द और प्रकाश दोनों आ जाते हैं यहाँ पर, यह सतलोक बाता है, इसकी परछाई सब का सब यहाँ पर है, प्रकाश की परछाई से सब कुछ बने डालो निचला। तो यहाँ तक तो आ गया दुनिया बनने के, शरीर छोड़ोगे फिर वापस आओगे, फिर जलमोगे, फिर मरोगे, चाहे करोड़पति सेठ बन जाओ, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाओ, और उसके बाद आओगे। तो अगर सदा के लिए अमर होना चाहते हो तो फिर अगला रास्ता है, फिर अगला क्या है कि आप कोई चीज़ की इच्छा करोगे, एक ही इच्छा रखोगे और सब काम आपका होता रहेगा, नहीं तो अच्छा विचार रखोगे नहीं घटिया रखोगे, विचारों से ऊपर निकल जाओगे प्रकाश के अंदर, और फिर उसके बाद इधर आ जाओगे, आगे ध्यान करोगे। कोई बाहर का गुरु चेताएगा आपको कि ये तो आनंद ले रहे हो, ये तो आनंद उलझ रहे हो आप, आनंद जब तक खुश हो जब आनंद होगा तकलीफ होगी, तो फिर क्या करना, सदा के लिए अगर हम रोना था ये जगह है, बच्चे का तालवा टिप टिप करता है इस जगह पर, छोटे बच्चे का तालवा होता है टिप टिप करता, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक स्वीट वॉइस आ जाती, बहुत मीठी ध्वनि आती है जिसको राम नाम कहते हैं, जो राम नाम कहते हैं वो धुनात्मक है, वो आ जाएगी साथ उसको देखने वाली, या चीज़ बोला नहीं है ये आत्मा नहीं है, जैसे गीता में तो आत्मा तो बताया है, आगे नहीं आगे की रिसर्च कलयुग के संतुलन करिए कि प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा, तो देखने वाली चीज़ क्या है, वो है जो स्थान सुर तारे से परे आगे जो स्थिति है, और उसका एक छोटी सी किरण हर एक मनुष्य में है यहाँ पर, और यहाँ पर वो काम मनुष्य कर रहा है जो परमात्मा ने काम करना, वो सब मनुष्य कर रहा है, ये पूरा दिल्ली शहर मनुष्य ने बसाया, ये जितनी टेक्नोलॉजी जितना ज्ञान जितनी मेडिकल टेक सब कुछ मनुष्य ने सीखा है, तो वो परमात्मा किसमें है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य को इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, इसे कलयुग के संत बता रहे हैं कि आपके अंदर है। और ये कौन बताएगा, कोई मुक्त आदमी बताएगा, कोई आश्रम बताने वाला नहीं बता सकता, बताएगा आश्रम नहीं चलेगा, कौन देगा चार पैसे, और कोई किसी नाम के लिए अपना चेला बनाना चाहता वो भी नहीं बताएगा, मतलब किसी तरह की चाल है कि बैठा वो नहीं जो मुक्त होगा चाह से, कहते मुक्त है सब से, वो बताएगा, वो क्या बताएगा कि सब आपके अंदर है, आप में शक्ति है, आप ऐसे कर दो, तो वो ये जब प्रकट हो जाएगा तो इसका सफ़र है यहाँ से चोटी तक का, इसको कहते हैं इस मार्ग को, इस सफ़र को अगम, ये तो अलग है, देखा नहीं जा सकता, रियलाइज कर सकते हो आप, समझो ना रियलाइज क्या चीज़ होती है, कि जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप कहते हो जी क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ गुड़ खा रहा हूँ, आप कहते हो कैसा, मैं कहूँ जी मीठा है, आप कहते हैं गुड़ खांड जैसा, शक्कर जैसा, लड्डू जैसा, जलेबी जैसा, मैं सबको ना कर दूँगा, क्यों, गुड़ का स्वाद गुड़ में है। अब मैं अगर आपको अनुभव कराना चाहता हूँ तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक डड़ी तोड़ के दूँगा, लो इसका नाम अनुभव है, तो इसका अनुभव कर सकते हैं, आगरी जो चीज़ है नहीं यहाँ पर राम नाम वाली और बाकी कुछ नहीं, इस अनुभव करते करते जब चोटी के पास पहुँचोगे उसके बाद आप एक गहरी समाधि में चले जाओगे, कैसी समाधि, अब गहरी नींद में जाते हो वैसी, वो मिसाल है, ये प्राकृतिक है, ये अनुभव से होगी, ये योग से होगी, और वो प्राकृतिक सबको मिल रही है,
कि अगर नींद नहीं आए पाँच चार दिन तो आदमी पावड़ा हो जाता है। विज्ञानी के पास जाते हैं, कंपोज देता है, बोलता है कि नींद आई, बैलेंस बराबर हो, तो बहुत समाधि वहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म, उसमें मिल गया आप परमात्मा, मिल गया उसका रूप, बन गया और फिर वापस आ गया, वापस प्रारब्ध कर्म में फिर काम करोगे चले जाओगे। बार का गुरु सत्संग करा देगा कि जीवित मुक्त अवस्था में रहो, जब तक जीते हो तो कोई कर्म मत बनाओ, सब में परमात्मा का कुछ नहीं है। एको ब्रह्म दूते नास्ति, हिंदू तो यह कहते हैं, मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है। उसके अलावा तो जब तक जियोगा तब तक ये देखता रहोगा, और जब आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो उसी में समा जाओगे। ये पूरा कोर्स आपको अगर सदा अमर होना है तो तब, और ये मैं कोई नहीं बताना चाहता कि वो आप पूछने के लिए नहीं आए, ये डॉक्टर कमला जी कहते हैं कि आप अच्छे आदमी को ज्ञान देते हो, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर अच्छे आदमी को, तो सच्चाई बता दो आप, आपको उनको कोर्स बता दो, अब जरूरत नहीं, शायद कभी उनके संस्कार जागे तो उनको पता हो जाए, कि वो बार का गुरु तो बताएगा नहीं, वो बता देगा फिर उसको कौन पूछेगा, अगर वो यहाँ तक आया तो वो यहाँ तक की बात बताएगा नहीं, काफ़ी सेवा करो काफ़ी पैसे दो फिर बताएगा, और तभी आश्रम चलेगा। और मुफ्त का बता दीजिए कदर भी क्या है, मैंने आपको ऐसे कर दिया क्या कदर इसकी, और वो रगड़ा पट्टी खा करके पूछोगे तो गुरु जी करते रहोगे। और मैं मुफ्त इसलिए बताइए कि मुझे कोई चीज़ की चर्चा तो है नहीं, सब कुछ मुझे प्राप्त है, मैं ऑफिसर रहा हूँ पूरी उम्र, रोज़ के दिन में नए नए खाने खाएँ, आज का ब्रेकफास्ट उसका मेन और है, कल का और है, जो अंग्रेज़ों का ज़माना था और उनकी तरह हम खाना खाते भोजन करते थे, लंच में कुछ और है, डिनर के अंदर कुछ और है, ऐसे अलग अलग खाने, और रोज़ की पाँच चार ड्रेस बदलना, शेरमनी अलग बदलना, वो अलग बदलना, घर में आते अलग है, मेस ड्रेस अलग, अलग अलग कपड़े पहने, ये ज़िंदगी में स्वाद दिया, खूब सैर करी, हवाई जहाज़ों की, समुद्री जहाज़ों की, ये वो सब देश विदेश घूमे सब जगह, तो बहुत कर की। अरे ये बात बतानी थी तो गुरु जी ने कहा कि सच्चाई को सेवा कर दूँ महाराज आपकी, वो कह लगे तेरी सेवा ये नहीं है, मेरी सेवा क्या है, कि मेरे बेटे बेटियाँ ज्ञान में तू या सच्चाई बता देना, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, ये जब मुझे पता है उस दिन से, फिर मैं 1962 से उन्होंने कहा बताना शुरू कर दे, तो मैं अधिकारी हूँ आदमी को बताता, अभी अधिकारी कोई मेरे पास आए, अधिकारी आप सब अधिकारी हो जो आए हो, आपके पाँच चुंगरा शुभ हैं, अगर गुरु का मानते हो ना तो दिन अच्छे हैं, अच्छा दिन है इसलिए आप आए, नहीं तो आते नहीं मेरे पास, तो सच्चाई आपके अंदर है, रिद्धि सिद्धि का भंडार आप हैं, आप देवताओं के देवता हैं, और आप अपने आप को अज्ञान से भेंट बने बैठे हैं, आपके विचार में वो शक्ति है जो चाहो सो कर सकते, तो सुंदर से विचार रखो, और घर में जितने आदमी उनके साथ प्यार रखो और उनकी सेवा करो, सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस ऑफ द गॉड, तो सगड़ी दुनिया की तो सेवा नहीं कर सकते, जितने आदमी आपके कन पास रहते हैं घर के, गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप हैं, जो माँ बाप को गुरु नहीं मानता कुछ नहीं मिलेगा उसको, चाहे कितने बढ़ जाए मेरे पास वो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर IAS IPS होते हैं, दुखी देखता हूँ क्यों वो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप कूदते रहते बुरा चाहते हैं कि हमको पूछता नहीं, तो गुरु माता पिता, पहले गुरु माता पिता को नहीं मानोगे कोई लाभ नहीं होगा, उनका सम्मान करो करो और बोलो मेरे को आशीर्वाद दो मैं सुखी रहूँ। कई लड़कियाँ कहते थे मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए मेरा आशीर्वाद दो, वो तेरी माँ से ले लेना चलो जाओ ठीक हो जाएगा काम, तेरी माँ से ले जाना काम हो जाएगा, क्यों रहस्य को मैं जानता हूँ कि भाई वो जो माँ के बराबर कोई हो नहीं सकता, तो घरों के अंदर रहते हैं आप, सुबह सुबह उठ करके बेटियाँ अपनी सास को चरण स्पर्श करो, और शाम के टाइम पर थोड़ी देर उनकी मुट्ठी सफी कर दो, और नहा तो अच्छी नहीं नाच कर नहाओ, अच्छा अच्छे बाल बुल बाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, यानी पुराने कपड़ा अच्छा वाला बढ़िया पहनाओ। तुम जानते हो जैनियों के लिए क्या है कि जैसे बूढ़ा हो जाते हैं तो उधर रहते हो, जैनी पंथी आते थे मेरे गाँव के थे नथमल जी, नथमल जी थे वो दूसरे गुरु जी थे उनके बाद, तो मैं एक दफ़े चूरू के अंदर था तो वहाँ पर वो आए, तो उनका साधुओं का ठिकाना था, तो जितनी सेठ जाते अच्छी पगड़ी बांध के अच्छा पैर करके जैसे दुल्हा जाता ना ऐसे अच्छे तरीके जाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, तो उनके हिसाब में है। और दूसरा भिक्षु, भिक्षु कहते भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु डेरा दर्शन हो गया जीव, इसका मतलब भिक्षु के अंदर वो ही देखते हैं। जैन मत बहुत ऊँचा है लेकिन वो जानता कौन है, कोई समझता है नहीं बात को, बड़ा भारी तरीका है, कहते कि जीव को नहीं सताना, परी घोड़े को चाबुक मारते तब जाता था, तो बोले पैदल चलो, अब वो पैदल पकड़ रखे पूरा पैदल ही पर चलते, अभी पता नहीं ज़माना बदल गया और ज़माने के साथ शैली बदल जाती है हमेशा, तो इसके लिए कोई अनुभवी आदमी बताएगा आपको। तो मैं आज आपको जो देना चाहता हूँ ये ज्ञान है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, कोई कमी नहीं है, शुभ कर्म है इसलिए आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, अभी आप क्या करो विचारों को ठीक कर लो और घर के अंदर करो चैरिटी वगैरह, अपने माँ की बाप की सास ससुर की सेवा करो, आज्ञा मानो, बच्चों से प्यार करो, और जो कोई कमी बेसी है तो उसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात बताओ भाई है अच्छा सिखाओ दो बार, और नहीं मानता छोड़ दो आगे सीख लेगा।
क्या मतलब कि वो आप बताने का आपका फर्ज है, नहीं बताए तो छोड़ दो। इसके क्या उदाहरण है मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, इंजीनियर था, आजकल तो वो लंदन के अंदर है। तो वो दोस्त था तो वो मोटरसाइकिल पर देख के मुझे जयपुर में गया कहीं, तो मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता था। तो मैं उसको पीछे हाथ आया, बेटा आहिस्ते चलाओ थोड़ा। एक बार उसके पीठ हाथ लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया तो मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और खड़ी करवा उतरो आप निकलो। मैं क्यों? बोले आप पैदल जाओ, मैं नहीं ले जाऊँगा आपको। मैं क्यों भैया? बोले मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप मेरे को बार बार हाथ लगाते हैं। मैं कहा बेटा तेज चला रहा था इसे। बोले नहीं तो आप जाइए, आप मैं नहीं जाऊँगा। मैं सोचा बड़ी रास्ता है, बहुत दूर पर ही मामला था झगड़ो। तो मैं कहा अच्छा बेटा ऐसे करो, मैं छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, मेरा कृपा करें आज छोड़ दे। मैं गलती कर गया, मैं सोचा नहीं था आप इतने शाणे हैं तो मैं माफ़ कर दे। वो मेरे को ले गया घर में, छोड़ दिया घर और मैं चला गया अपने गाँव। जब मैं वापस आया तो मेरी लड़की एक दिन कहने लगी, बाबू जी इतना फंसया के सुम ये मोटरसाइकिल तेज चलाता। बोले नानू जी जगह जगह पेसी पेसी पड़नी, क्या करूँ? मैं कहा बेटा मेरी बात मानी नहीं तो मैं छोड़ दिया तेरे को, अब तो मान गया ना तू, अब तेरे को समझ आ गई ने। तो वो आप दो चार बार बताओ जो प्यारा है, अरे नहीं मानता छोड़ दो उसको, ठीक हो जाएगा, परमात्मा ठीक कर देगा, पुलिसवाला मिल जाएगा, पुलिसवाला मिलेगा, कोई मुकदमा मिल जाएगा, मुकदमे से जज भी खा पी के छोड़ देगा, वो कौन छोड़े, वो नहीं छोड़ेगा, उसको सजा मिल जाएगी। समझेगा नहीं? आप बताओ आप अपने प्यारे को, और फिर वो नहीं करता ठीक हो जाएगा। आप अपना कर्म ठीक बना लो और आपका रास्ता ठीक हो जाएगा। तो आज के सत्संग में एक तो मैंने ये बताया, दूसरा जुम्मारी दे दी है, वो जो ज्ञान है वो लिखा हुआ दूंगा मैं, लिखित रूप में ले जाना, आप चार बार उनको पढ़ लेना, आपको कोई तरह की शंका नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं रह सकता। पूरी सेट ले जा सकते हो भी आप, जो पूरी काम करें वो सेवा है, वो जाके बांटोगे उसको शेयर होल्डर बन जाओगे, आपको जल्दी लाभ होगा उसका। क्योंकि जितने घरों में शांति आएगी, जितने घरों में अमल होगा, जो कड़े कड़े सब वो ठीक होगा, वो आपके शेयर में आ जाएगा, आपकी वजह से होया, वो तो नहीं जानता, इसलिए वो छोटा बन के जाना पड़ेगा आपको। क्यों जाऊँ मैं उसके घर से? नहीं, ये आदमी पढ़े लिखा के बाबू जी पढ़ ले लो धर्म के बारे में, बहुत बढ़िया बात है, और पढ़ कीजिए आप जो नहीं चाहो ना कृपा मेरे को दे देना, फिर तीसरे को दे देना। तो गुरु का काम कर देना, आप ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा। अभी आपके पास है इसके और